हेलो एवरीवन, आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं हम मक्के के चीला, जो खाने में तो टेस्टी ही रहती हैं उससे ज़्यादा हेल्दी है। ये बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है, जितनी सिंपल तरीके से बनाई जाती है उतनी खाने में टेस्टी भी लगती है, बहुत हेल्दी है, बच्चे को भी खिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। झटपट बनने वाली रेसिपी, सबसे पहले हम ये रेसिपी बनाने के लिए हम तो मक्का लिए हैं, मक्के के सारे छिलके छोड़ा लिए, मतलब मक्के को अलग कर लिए, धो लिए हैं। अब मिक्सी जार में हम डाल देते हैं मिर्च के साथ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं मिर्च, आप मतलब सिंपल तरीके से सिर्फ नमक डाल के भी बना सकते हैं, बट हम थोड़ा स्पाइसी चटपटा बनाने जा रहे हैं जो खाने में भी टेस्टी रहे, हेल्दी भी रहे। इसमें मिर्च डाल के हम इसका एक पेस्ट तैयार कर ले रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ये जो मक्के है जो पीस के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल दम पूरा मतलब ये नहीं पिसाएगा, मतलब थोड़ा सा ये हार्ड ही रहता है। अब इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग यानी स्वाद अनुसार नमक डाल दिए, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिए, इससे कलर है जो बहुत अच्छी आती है। और इसमें प्याज काट करके हम इसमें डाल दिए हैं, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कट करके डाल दिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हम प्याज कट करते हुए वीडियो नहीं बना पाए हैं। अब सभी को हथेली की मदद से बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि ये है ना जो मकई के जो छिलके हैं, मतलब छिलका भी इसको बोला जाता है, और इसको चीला भी बोला जाता है, जो हम बनाने जा रहे हैं नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिए हैं। इसमें सरसों को रिफाइंड ऑयल डाले, आप जो भी ऑयल डाल सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सा ऑयल डाल के बनाना चाहिएगा। तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता, इसलिए हम नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पेस्ट है जो डाल करके इसको फैला देते हैं, अब जितना बड़ा बना सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ के बना रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको इस तरह कर ले रहे हैं, क्योंकि ये छोलनी उलनी चट्टू से कुछ होने वाली नहीं है, इसलिए हाथ से इसको बराबर शेप कर दे रहे हैं, लोटे की शेप में गोल गोल। और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम साइज़ की बनानी है मोटाई में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल हाई टू लो फ्लेम पर बना रहे हैं। अब इसको हम देखिए पलट ले रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से ये हमारी जो चीला है वो साइड पक चुकी है, अभी टूट जाती है, इसलिए बिल्कुल सावधानी से इसको पलटें। देख सकते हैं दोस्तों, ये चीला कितनी टेस्टी लग रही है ना, आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रही होगी। हम तो बनाए हैं बहुत पहले, अभी वीडियो एडिट कर रहे हैं, हमारे मुँह में अभी भी पानी आ रही है। अब इसी प्रोसेस में हम सारे चीले बना करके हम रेडी कर रहे हैं। देखिए ये चीला हमारी बिल्कुल पक चुकी है, अब इसको बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, अब चलिए दूसरे चीले बना करके हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे चीले भी तावा में फैला लिए हैं। अब इसको भी होने में थोड़ा थोड़ा ही ऑयल डालें, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, नॉन स्टिक पैन में बनाएँ तो बिल्कुल कम ऑयल में बनाएँ, हेल्दी है तो कम ही ऑयल में बनाएँ, या तो बिना ऑयल के भी बन जाएगा, बिना ऑयल का भी आप बना सकते हैं, बट हम थोड़ा इतना भी हेल्दी खाना नहीं खाते, इसलिए हम ऑयल देखिए कितना सावधानी से पलटने के बाद भी ये टूट जाती है, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई टाइप का रहता है इसलिए टूट जाता है। अब ये हमारी चीला ये भी बन के रेडी हो चुकी है, दूसरा प्लेट में ये भी निकाल दिए। देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ये चीला जो टूट टूट जा रहा है बहुत। ये देखिए दोस्तों, हमारी मक्के की चीला बन के रेडी हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप लोग को कुछ नुकसान नहीं होने वाले हैं, बट हम थोड़ा मेहनत करते हैं इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़।